एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ मड़वारानी। मड़वारानी का जो गुफा, आप लोगों का बहुत डिमांड था कि उसी गुफा का तीसरा भाग लेकर आओ, तो मैं आ चुका हूँ अभी मड़वारानी का। जो मड़वारानी का है उसी मतलब रोड पे आया हूँ और जा रहे हैं उसी पे, और फिर देख रहे हैं कि गुफा। अब पूरी तरह से आप लोगों को घुमा दूँगा, अभी को नवरात्रि आने वाला है तो पूरी तरह से आप सभी देख लेना कि गुफा। और चलते हैं, आप लोग रोड भी देख लेना, रोड का भी व्यू बता दूंगा। और उसके बाद जो जुड़ता है ना नवरात्रि में मेला वाला, वो पूरी तरह से आप लोगों को पूरा बताऊंगा और गुफा भी बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए चलते हैं। यहाँ से चढ़ते हैं मड़वारानी का, वहाँ पर है गुफा। यहाँ पर से मतलब चढ़ोगे उसके बाद गुफा आप लोगों को मिलेगा। आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हो तो चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से देख सकते हो और पूरी तरह से देख सकते हो। पूरी तरह से हम लोग जा रहे हैं और गुफा का जो है आप लोगों को पूरी तरह से नज़दीक नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक बार ज़रूर से दिखाएंगे। यह जो है नीचे वाला मड़वारानी, आप आ गए तो यहाँ पर दिख सकते हैं, ऊपर बता दें, देख सकते हैं यहाँ पर रोड है। यहाँ से जो सीढ़ी जो अभी चढ़ रहा हूँ ना, इसी सीढ़ी से लाखों लोग चढ़ते हैं, लाखों लोग। अभी तो भीड़ नहीं है क्योंकि अभी नवरात्रि अभी आने वाला है, लेकिन अभी और यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी तरह से इस सीढ़ी को मतलब अभी अभी तक बनाने की चालू कर दिया है लोग। यहाँ से चढ़ते चढ़ते आप लोग मिलेगा ना गड्ढा में, रास्ता सब बताऊंगा। चढ़ते चढ़ते हालत दिन हो जाएगा और यहाँ पर जंगल ही जंगल है। यहाँ पर देखते हैं इतना दूर से, अभी से मैं चढ़ा हूँ तो सांस पूरी तरह से भरने लग गया। और यहाँ से अगर बात करें कि भालू होगा क्या, तेंदुआ होगा और कुछ, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को बंदर ज़्यादा मिलेगा और बंदर यहाँ पे कम मिलेगा। लेकिन आप अगर ऊपर चढ़ जाओगे उसके बाद आप लोग का भी सामान छीन कर भग जाता है, और भरने के बाद ऐसे कहानी पे या पेड़ पर चढ़ जाता है और आप लोग मतलब ऐसे ही मतलब हो गया है बंदर होकर। मैं एक बार वीडियो शूट करने गया था ना, तो उसके बाद जो स्टैंड आता है वो जो काम करते हैं काला काला, आप लोग जान सकते हो जो बंदूक का दिखता है उसी को मैं ले अगर आप लोग बाइक से आते हो या कार से आते हो तो आप लोगों को यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से भी जो चापा जाते हैं ना कोरबा छापा रोड, वहीं से आप मड़वारानी जा सकते हो, वहाँ से रास्ता है। अगर बोलोगे तो अभी एक दो दिन के बाद उसका वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप कोई है का? हम लोगों को चढ़ते चढ़ते बहुत समय लग गया और लेकिन बने रहे वीडियो भाई। अभी थोड़ा आप लोगों को वहाँ पर बता देते हैं कोड़ी खोला का जो नज़ारा है, एक बार देख लो
क्योंकि झरना ठीक है। आवाज आ रहा होगा हम लोगों को। यहां से पूरी तरह से देख सकते हो, वहां पर कहीं से बज देख सकते हो, आवाज आ रहा है। मेरे को लगता है वहीं से आ रहा है आवाज। यही झरना जो है अब लोग बताऊंगा, वहाँ पर भी बताऊंगा कि पानी कहाँ से मतलब आ रहा है, वहाँ से कहीं से तो कहाँ दिखा वहाँ नीचे। हाँ हाँ वहाँ पर देख सकते हो पूरी तरह से, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, जूम कर देते एक बार दिखे थोड़ा सा, नहीं दिख पाएगा वहाँ से आप लोगों को, और यहाँ से भी गिर कहीं से गिर रहा है पूरी तरह से, खाई खाई है पूरी तरह से और टोटल, और पता नहीं कितना गहराई होगा, तो ऐसे ही मान लो 200 फीट 250 कर दो ऐसे ही। और वहाँ से दिख रहा है झरना, और वहाँ पर जाने के लिए लेकिन हम लोग को नीचे से आना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ का झरना आप लोगों को ले पाएंगे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को तो देख लेना, और नीचे से भी अगर एक अगर बोलोगे कमेंट करके तो मना भी देंगे एक और वीडियो आप लोग नीचे जाकर। लेकिन बहुत तेज आता है, रिस्क है, देख सकते हो पूरी तरह घनघाई जंगल पे हम लोग जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले आ जाओ, बहुत समय है यहाँ पर। आप लोगों को बताता हूँ गुफा जो कि तीसरा पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। पहले वीडियो में जो प्यार दिया इसी वीडियो पे उस प्यार को दिखाओ, क्योंकि इतना बड़ा मैं रिस्क लेकर आया हूँ आप ही लोगों के लिए। और जब आप ऊपर का जो नज़ारा देखने वाले हो तो यहाँ से आप लोग वहाँ से जा सकते हो ऊपर, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक बार आ जाओ, आप लोग बताया वो कोठी वाला के घर में सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ से देख सकते हो पूरी तरह सूर्य से आप लोगों को कैसा दिख रहा है, कैमरा है तो नहीं पता साफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और देख सकते हो पूरी तरह से वहाँ वहाँ पर है जो मैंने बताया था कि तीसरा पार्ट में, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक और गुफा बताने वाला हूँ उसी के रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसी को एक बार देखो, एक बार और बता दूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर खाई देख सकते हो पूरी तरह से कितना खाई है, और पूरी तरह से आप लोगों को वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ। आप लोग गुफा देखना है तो आ जाइए, बहुत ही खाई देख देख कर पैर में होने पर नीचे का जो नज़ारा है वो बहुत ही खराब हो रखा है। गाइस अगर यहाँ से आप लोग पत्थर, लेकिन ऐसे नहीं करना है क्योंकि ऐसे देख सकते हो पूरी तरह से, या अगर वहाँ पर गया ना देख सकते हो ऐसे तो पूरा बहुत ही नज़दीक है देख सकते हो, लेकिन मैं इसे नहीं गिराऊंगा क्योंकि देख सकते हो पूरी तरह से
नीचे आ गए। यहाँ से देख सकते हो पूरी तरह से कोठी खोला जैसा ही लग रहा है। ऊपर पे कोई है ऐसा लग रहा है, यहाँ पे पता नहीं कौन है। और मोटरानी का चौथा पार्ट आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वहाँ का आने वाला है। आ जाओ आप लोगों को देखना है गुफा। आप लोगों को ज़्यादा दूर से नहीं, लेकिन वहाँ पर आप लोग गुफा एक बार बता दें। वही कर जूम कर दे एक बार, वही गुफा दिख रहा है ना यहाँ पे, देख सकते हो पूरी तरह से। वो गुफा मड़वा रानी का ही एक गुफा है। देख सकते हो पूरी तरह से, वो जो मैं अंगूठी या उंगली बता रहा हूँ ना, वहाँ पे वही गुफा है। और पूरी तरह से यहाँ का नज़ारा देख लो। और आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं इसकी और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फोटो भी ले लेते हैं, देखिए वैसे अच्छा है। आवाज ना हटा देंगे, आवाज़ नहीं हटी तो कोई दिक्कत नहीं, जूम करके फोटो ले देने का।